गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है हमारा लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि लेड एसिड बैटरी क्या होता है, ठीक, लेड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी उसमें कितने सारे पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमने उसका पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल में दो चीज़ें थी कि बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगा और बैटरी चार्ज कैसे होगा, तो वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल था। अब हम देखेंगे कि बैटरी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली चाहे लेड एसिड बैटरी हो या फिर जो है कि कोई भी बैटरी हो जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि लेड एसिड बैटरी को हम कैसे चार्ज करेंगे या फिर बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे, तो उसमें हम यही आंसर लिखेंगे। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो है कि लगभग ये भी क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेड एसिड बैटरी के चार्ज करने के उसके मेथड बताइए। तो देखिए, बैटरी को चार्ज करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला है हमारा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, यानी स्थिर वोल्टता विधि। दूसरा है हमारा कांस्टेंट करंट मेथड, यानी स्थिर धारा विधि। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड और दूसरा है हमारा कांस्टेंट करंट मेथड। ठीक, अब देखिए कांस्टेंट वोल्टेज मेथड क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड जो है बैटरी को चार्ज करने का जो यह तरीका होता है, कौन सा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, बेसिकली हम उस बैटरी के लिए हम यूज़ करते हैं जो बैटरी टोटली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ना हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चार्ज हुआ हो। ठीक है, या फिर जो स्टैंड बाई मोड में बैटरी यूज होते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, और भी, या फिर हम जो यूपीएस में बैटरी यूज़ करते हैं उसमें जो है कि जो बैटरी यूज होते हैं, बेसिकली यह तरीका उसी बैटरी के चार्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब जो वोल्टेज हम यूज़ करेंगे उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि जब बैटरी हमारा डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो बैटरी जब डिस्चार्ज होगा तो उस केस में बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो जीरो होगा। ठीक, जब हमारा बैटरी क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा तो उस केस में जो ईएमएफ होगा बैटरी का वो क्या होगा, लगभग जीरो होगा या बहुत कम होगा। ठीक है, तो ईएमएफ जब जीरो होता है तो इस केस में जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो यहाँ पे करंट का मान बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, करंट बढ़ जाने का मतलब ये चीज़ हुआ कि करंट बहुत अधिक लेता है इसको चार्ज करने के लिए। ठीक, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि ईएमएफ का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बैटरी हमारा चार्ज होता जाएगा तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा, तो ईएमएफ का मान बढ़ने के कारण से जो उसमें करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, करंट की वैल्यू नहीं, मतलब जो करंट वो लेगा वो धीरे धीरे कम लेता जाएगा। ठीक है, जैसे अब स्टार्टिंग के केस में ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा, तो उस केस में करंट जो है कि ज़्यादा लेगा, फिर जैसे जैसे बैटरी हमारा चार्ज होता जाएगा यानी उसका ईएमएफ बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे वो क्या करेगा, करंट जो है कि कम लेता जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा कि सेल को चार्ज करने में लगभग आधा समय लगता है। ठीक है, यह जो तरीका है उसमें चार्ज करने में क्या होगा, बहुत कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि जो स्टार्टिंग में जो चार्जिंग करंट है उसका मान क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी चार्ज हमारा उसमें ज़्यादा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो जब चार्ज ज़्यादा जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाने का मतलब क्या होगा कि उसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वही उसी चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है
कि इस मेथड में क्या होता है, चार्जिंग वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। यह कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी की एक निश्चित एवं निर्धारित वोल्टता होती है, ठीक है। प्रारंभ में चार्जिंग करंट उच्च होती है जो बैटरी के बैक ईएमएफ के बढ़ने पर कम होती जाती है। तो ये तरीका जो ये कहलाता है क्या चीज़, बैटरी को चार्ज करने का कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, कांस्टेंट करंट मेथड। तो जो हमारा कांस्टेंट करंट मेथड होता है, तो ये जो मेथड है उस बेसिकली हम उस बैटरी के लिए यूज़ करते हैं जो बैटरी अभी क्या हो, नई बैटरी हो, ठीक है। तो नई बैटरी को चार्ज करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये एक बूस्टिंग मेथड होता है बैटरी को चार्ज करने का, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो बैटरी है तो उसकी जो रेटिंग होगी, ठीक है, बैटरी की रेटिंग किस में होता है, एम्पियर घंटा, ठीक है, एमएच होता है ना। तो जो बैटरी की जो रेटिंग होगी उसका 1/8 पार्ट हम उसमें करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, किसका, बैटरी के रेटिंग का, बैटरी के रेटिंग का 1/8, ठीक है, पा उसमें जो है क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, ठीक। उस फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं। करंट को कांस्टेंट रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रियोस्टेट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैटरी, इसमें जो इस मेथड में बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, जो चार्जिंग करंट होता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, फिर जो कि बैटरी के एक निश्चित एवं निर्धारित चार्जिंग करंट होती है। इस मेथड में जो चार्जिंग करंट होता है उसको हम किसके थ्रू जो है कि कंट्रोल करते हैं, या तो हम एक रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल करते हैं या फिर रियो स्टेट के कारण, रियो स्टेट से जो है कि उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लेड एसिड सेल है उसको, उसका जो पॉजिटिव प्लेट होगा सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो बैटरी का निगेटिव प्लेट होगा उसको हम सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस विधि में हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जो हमारा चार्जिंग करंट है यानी जो उसको चार्ज कर रहा है, तो उस चार्जिंग करंट को देखने के लिए हम उसके सीरीज में एक अमीटर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि करंट को क्या करता है, करंट हमें कैसे पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चार्जिंग करंट को देखने के लिए हम अमीटर जोड़ देते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो है कि जो चार्जिंग करंट की जो बैटरी है उसको हम पहले क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि जो निगेटिव, जो बैटरी का जो जैसा जो टर्मिनल होगा यानी पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, तो ये जो हमारा तरीका है वो क्या कहलाएगा, चार्जिंग मेथड ऑफ कौन, मतलब चार्जिंग मेथड ऑफ लेड एसिड बैटरी, कौन सा, कांस्टेंट करंट मेथड, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्या चीज़, लेड एसिड बैटरी का जो है रख रखाव, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए लेड एसिड बैटरी का जो केयर और उसका जो मेंटेनेंस है उसके लिए हम बहुत, मतलब निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बैटरी का को जो है कि हम डीसी द्वारा सही दिशा में उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। सही दिशा में चार्ज करने का मतलब क्या है, सही दिशा में चार्ज करने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से जोड़ेंगे, और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि उसके जो दोनों टर्मिनल है वो शॉर्ट ना होने पाए, यानी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। सेकेंड क्या है कि बैटरी के
बैटरी के चार्जिंग के समय वेंट प्लग को ढीला रखना चाहिए ताकि बैटरी के अंदर की गैसें निकलती रहें। वेंट प्लग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक उसके ऊपर जो है कि कैप टाइप का लगा होता है, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा टाइट ना रखें, उसको हम कुछ ढीला रख दें ताकि जो है कि अब जब बैटरी क्या होगा चार्ज होगा तो उसमें क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में जब होगा तो उसमें गैसेस रिलीज होंगी, तो जब उसको हम बंद करके रखे रहेंगे तो गैस रिलीज मतलब गैस जब नहीं निकल पाएगा तो हो सकता है कि बैटरी हमारा ख़राब हो जाए या फिर बैटरी में ब्लास्ट होने का जो है कि संभावना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बैटरी को चार्ज करते समय उसका जो वेंट प्लग होगा उसको हम ढीला रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, बैटरी को हमें जो है लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है बैटरी की प्लेटें सदैव जो है कि विद्युत अपघट में डूबी रहनी चाहिए, ठीक है, बैटरी की जो प्लेट होगी वो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसमें क्या होना चाहिए, डूबा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बैटरी जो विद्युत अपघट है तो उसके कम हो जाने पर बैटरी में डिजिटल वाटर डालते रहना चाहिए, ठीक है, तो जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब बैटरी का पानी होता है ना तो वो बैटरी का पानी क्या कहलाता है, डिजिटल वाटर होता है। इसकी स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होगा DISITAL, डिजिटल वाटर, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, आसूत जल या फिर डिजिटल वाटर जो है उसमें डालना चाहिए। फिर बैटरी को 1.8 वोल्ट के नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए, यानी उसकी जो EMF होगी उसकी कितनी होनी चाहिए, 1.8 से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, बैटरी को अत्यधिक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कोई कोई लोग मतलब कोई क्या होता है कि उसको चार्जिंग में लगाने के बाद से उसको छोड़ देते हैं, बैटरी हमारा चार्ज हो गया लेकिन फिर भी जो है कि वो चार्ज में लगा रहता है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक, या फिर हमें बहुत ज़्यादा उसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी जब यहाँ पे लिखा है कि हमें कितना तक होना चाहिए, 1.8 तक जब हो जाए, 1.8 वोल्ट तक जब हो जाए उसकी EMF, तो उस केस में हमें बैटरी को चार्ज लगा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैटरी के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट होने से बचाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी में अम्ल डालकर तैयार करना चाहिए। आप लोगों ने 10th में या फिर जो है कि 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, H2SO4 में, ठीक है, पानी नहीं डालते हैं बल्कि पानी में हम H2SO4 डालते हैं। इसका वजह ये है कि पानी की मात्रा जो है क्या है, ज़्यादा है, और एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर हम एसिड में पानी डालेंगे तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर एसिड ज़्यादा होगा और पानी कम होगा, ठीक है। तो जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो वो तुरंत एसिड क्या करेगा, वाटर के साथ साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन जब हम पानी में एसिड को डालेंगे तो पानी की मात्रा जब ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जब उसमें हम एसिड को डालेंगे तो एसिड हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता है। तो इसी वजह से जो है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट तैयार करेंगे तो उसमें हम अम्ल में पानी नहीं डालेंगे, बल्कि हमें क्या करना चाहिए कि पानी में अम्ल डालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये रहा क्या चीज़, जो बैटरी का मेंटेनेंस और उसका केयर हम कैसे रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी हम कल देखेंगे। आप लोगों से एक चीज़ का रिक्वेस्ट ये रहता है कि जब आप वीडियो देखा करें तो कमेंट बॉक्स में जो है कि आप अपना नाम लिखें, ताकि अटेंडेंस के लिए जो चीज़ें रहेंगी आपको इंटरनल या जो कुछ भी होगा एक्टिविटी, तो उसको हम लोग देख पाएँ,
कुछ बच्चे हैं कि वीडियो देखने के बाद वो अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, तो ये नहीं पता चल पाता है कि किसने देखा है और किसने नहीं देखा है। तो आप सो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद अपना नाम उसके नीचे ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट अगर होता है तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनल नंबर पर वो क्या करेगा, मैसेज कर देगा कि हाँ उसको ये चीज़ें डाउट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।